Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Squart's theorem. बच्चे ये theorem Young's theorem जैसा ही है. So बहुत सारी terms and conditions जो हमने Young's theorem पे use की थी ये Squart's theorem पे भी use होने वाली हैं. So जिन भी बच्चों ने Young's theorem नहीं पढ़ा है आप पहले जाके वो video देख लीजिए. सो ये थ्योरम में जो कंसेप्ट रिपीट होंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. और अब आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज If Fy exists in a certain neighborhood of a point AB of the domain of definition of a function f and Fyx is continuous at AB, then Fxyab exists and is equal to Fyxab. सो यंग्स थ्योरम का स्टेटमेंट और स्क्वार्ट्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा. ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट दी है, जैसे कि डोमेन ऑफ द डेफिनेशन. ठीक है, सो इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है कोई फंक्शन, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट ए बी पर. ठीक है, एफ वाई जो फंक्शन है ए बी के नेबरहुड, मतलब ए बी जो भी पॉइंट है यहाँ, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उसमें ये फंक्शन एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके डोमेन की डेफिनेशन पर भी एग्जिस्ट करेगा और एफ वाई एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट ए बी पर. और ये जो दोनों इक्वल होंगे, क्या इक्वल होंगे, एफ एक्स वाई ए बी एंड एफ वाई एफ y x a b भी इक्वल होंगे. ठीक है, इक्वल. सो यही हमारी स्क्वार्ट्स थ्योरम है. सो चलिए प्रूफ देख लेते हैं. सो बच्चे आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा अपने थ्योरम को प्रूफ करते टाइम फॉर द एक्स्ट्रा मार्क्स. ओके, सो सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसा आएगा. क्वेश्चन ये आएगा बच्चे, स्टेट एंड प्रूफ स्क्वार्ट्स थ्योरम. ठीक है, सो आपको थ्योरम का डेफिनेशन याद होना चाहिए क्योंकि आपको कभी भी डेफिनेशन लिख के नहीं देगा. 99% चांसेस यही है कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, स्टेट एंड प्रूफ स्क्वार्ट्स थ्योरम. ओके, सो आपको स्टेटमेंट याद होनी ही चाहिए. नाउ अब हम देखेंगे कि हमको जो भी गिवन दिया गया है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे या कोई भी थ्योरम दे बच्चे, आप गिवन करके जरूर लिखिए जो भी आपको दिया गया है. ठीक है, ये अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाता है. सो गिवन कंडीशन इम्प्लाइज दैट एफ एक्स एफ वाई एफ वाई एक्स ऑल एग्जिस्ट इन द सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी एंड एफ एक्स वाई इन कंटिन्यूस ऑल्सो. ठीक है, क्या बोल रहा है, यही बोला था ना हमारे थ्योरम ने कि अगर एफ एक्स एफ वाई और एफ वाई एक्स एग्जिस्ट करता है तो एफ वाई एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा किसी पॉइंट ए बी के नेबरहुड पे. ठीक है, वो ए बी पॉइंट नहीं ले रहा है बच्चे, इसके नेबरहुड के पॉइंट्स ले रहा है. नेबरहुड के पॉइंट्स पता है ना आपको, इसके आगे का कोई पॉइंट या इसके पीछे का कोई पॉइंट. ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर. हमने माना है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर जिसने भी मेरा यंग्स थ्योरम का प्रूफ देखा है उसे समझ में आएगा ये, वैसे तो आप जिसने नहीं देखा है उसे भी आएगा ही, बट ये मैं दोबारा बता रही हूँ, ये डायग्राम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी. ओके, सो ए के नेक्स्ट वाला टर्म कहलाएगा ए प्लस एच एंड दिस टर्म विल बी ए माइनस एच. सिमिलर आपके बी वाले पॉइंट में बी बी माइनस के और दिस विल बी बी प्लस के. ओके, सो इस टाइप का कुछ हमारा पॉइंट्स बनेंगे. ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या लिया है, ए का नेबरहुड लिया है ए प्लस एच और बी का नेबरहुड लिया है बी प्लस के, कोई दो नेबरहुड कंसीडर किए हैं. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस हमें ये इक्वेशन मिलती है. ये इक्वेशन कैसी, आप देख लीजिए, हमने क्या लिया है, किसी फंक्शन का a प्लस एच और a प्लस के. ठीक है, सो a प्लस एच और a प्लस ए लेंगे आप, ये कंडीशन बनी. ठीक है, अब इस पूरे सेक्शन में से आप माइनस क्या करेंगे बच्चे, ए प्लस एच माइनस करेंगे और बी माइनस करेंगे, मतलब ये पूरा सेक्शन आपने क्या कर दिया है,
माइनस कर दिया है. कौन सा सेक्शन? ये वाला सेक्शन आपने पूरा माइनस कर दिया है. ठीक है, नाउ ये सेक्शन बस बचा है अभी. ठीक है, अब हम इसी सेक्शन पे ऐड करेंगे प्लस ए बी. तो मैं नेक्स्ट पेन से बता रही हूँ आपको क्या किया हमने, ए और बी. तो अब हमने ये वाला सेक्शन ऐड कर दिया है. किसमें ऐड कर दिया है? अब सेक्शन हमारा ये बन गया है. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये सेक्शन हो गया है क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. अब हमने फिर से सब्ट्रैक्ट किया है. क्या सब्ट्रैक्ट किया बच्चे? ए और बी प्लस के. सो ये बी प्लस के से यहां से ए, ये भी हमने पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया है. अब आप देख सकते हैं बचा हुआ टर्म बचा क्या है, सिर्फ ये सेक्शन बचा है. ठीक है, और यही सेक्शन आपका कहलाएगा हैश एच के. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलर हमने जी एक्स के लिए भी लिया है. ओके, सो आप ये जो जी एक्स वाली इक्वेशन है, इसमें क्या लिया हमने? एक्स लिया है बी प्लस के एफ माइनस एफ एक्स बी. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. सो आप यहाँ पर एक कंपैरिजन कीजिए इन इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट. आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड को बच्चे ध्यान से देखिए, ये पूरा सेक्शन, और इक्वेशन फर्स्ट का आप सिर्फ ये वाला सेक्शन देखिए. ठीक है, सिर्फ ये वाला सेक्शन कह रही हूं मैं, जिसको मैंने रेड मार्क किया है यहाँ पर. अब आप कंपैरिजन कीजिए, बी प्लस के की प्लेस पे बी प्लस के है. ओके, बट इन द प्लेस ऑफ एक्स क्या दिया है बच्चे? ए प्लस एच. ठीक है, यहाँ पर देखिए बी की जगह पे पी है, बट एक्स की जगह पे क्या दिया है? ए प्लस एच. मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स को कौन रिप्लेस कर सकता है? ए प्लस एच, या फिर ए प्लस एच को कौन रिप्लेस कर सकता है? एक्स. इतना समझ में आया? ठीक है, सो अब आप यहाँ कंपैरिजन कीजिए कि जब आपको यहाँ दिया है एक्स और यहाँ पर यूज किया है एक्स. ठीक है, सो ये पूरे टर्म को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अगर हम या इस पूरे सेक्शन को हम जी के फॉर्म पे लिख सकते हैं क्योंकि ये बोथ आर सेम. ठीक है, बट जी के अंदर हम क्या लिखेंगे? एक्स. एक्स हम कब लिखेंगे? जब ये वाली एक्स टर्म, जब ये दोनों फंक्शंस में फर्स्ट पे दी हो. बट यहाँ पर ये दोनों फंक्शन पे एस नहीं दिया है. क्या दिया है बच्चे? ए प्लस एच दिया है. दैट्स वाई दिस विल बी ए प्लस एच. ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ लिखा है जी ए प्लस एच. इतना समझ में आया? नाउ इस वाली टर्म्स में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये वाली टर्म प्लस पे है. ओके, सो दिस विल चेंज इनटू व्हाट? यहाँ पर एक एफ वाला फंक्शन माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ एक एफ वाला फंक्शन, देन माइनस अगेन, फिर एक एफ वाला फंक्शन. ऐसे में चेंज हो जाएगा ये वाला सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं एक्स की जगह पे क्या दिया है बच्चे? पूरा कंपैरिजन सेम है. एक्स की जगह पे क्या दिया है? ए दिया है. सो यहाँ पर हम एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे. ये समझ में आया? नाउ लेट्स मूव. सो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज एग्जिस्ट इन अ नेबरहुड ऑफ ए बी, अगर एफ एक्स किसी ए बी की नेबरहुड पर एग्जिस्ट करता है तो जो हमारा फंक्शन है जी एक्स वो क्या होगा? डेरिवेबल होगा किसके? ए के नेबरहुड पे. ए के नेबरहुड कौन सा है? ए और ए प्लस एच, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना, ए की नेबरहुड पे. मतलब ए का नेबरहुड क्या है? अब आप बोलोगे बी का क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हम बी का भी निकालेंगे बच्चे, पहले ए का सॉल्व कर ले, देन हम बी का सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो ए का नेबरहुड क्या है? ए का नेबरहुड है ए प्लस एच और ए माइनस एच. ठीक है, तो हमने प्लस वाले नेबरहुड लेके चल रहे हैं. तो यही पर है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स, तो जी एक्स क्या होगा? डेरिवेबल होगा ए की नेबरहुड पे, और ए का नेबरहुड क्या है? ए और ए प्लस एच. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव. सो बाय द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम आते हैं इक्वेशन सेकेंड पे. वेयर इज योर इक्वेशन सेकेंड? दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. ओके, नाउ अगर इक्वेशन सेकंड से देखें हम, सो जिसको भी नहीं पता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट देखते हैं हम बच्चे. ये वाला सेक्शन देखिए आप पूरा, इंक्रीमेंट किससे हुआ है? एच से हुआ है. है ना, देखिए यहाँ पर ए प्लस एच लिखा है ना, है ना. सिर्फ हम कौन सा टर्म ले रहे हैं? ए का नेबरहुड ले रहे हैं, इसलिए सिर्फ ये वाली टर्म आई है. अगर हम बी का नेबरहुड भी लेते साथ में, तब हम प्लस करके बी वाला सेक्शन भी लिखते. ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ ए वाला सेक्शन है बच्चे, इसलिए सिर्फ यहाँ पर इतना ही आएगा. इसके आगे हमने कुछ और नहीं लिखा है, इसलिए हम सिर्फ ये जो अंडरलाइन किया है मैंने टर्म, सिर्फ आपको यही देखना है. ये वाला सेक्शन नहीं देखना है. क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हम सिर्फ
ए के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, बी वाले सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये वाला सेक्शन यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ जो भी इंक्रीमेंट हुआ है आप वो देखिए। तो आप देखिए ए तो ए ही है, बट नेबरहुड में एक और लिया है हमने, जिसको हमने एच से इंक्रीमेंट किया था। तो आप जिस भी वैल्यू से इंक्रीमेंट करेंगे जस्ट पुट ओवर हियर। सो यहाँ पर हमने एच पुट कर दिया है। नाउ दिस विल बी चेंज इनटू जी डैश, ओके, एंड यहाँ पर होगा ए प्लस थीटा एच, ठीक है। थीटा से हम इसको क्या करेंगे, एक न्यू नेम देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, इसी का क्या किया है, यहाँ पर डेरिवेबल बोला है ना, मतलब कि इसको डिराइव किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, दैट्स व्हाई दिस विल चेंज इनटू जी डैश। सो आप देख सकते हैं ये हमने कहाँ से उठाया बच्चे, ये कहाँ से उठाया हमने, यहाँ से ही उठाया है, ठीक है। ये रेड मार्क ही देखना है आपको, कंपैरिजन करते जाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम जी ए प्लस एच के फॉर्म पर लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पर ए प्लस एच की जगह पर ए प्लस थीटा एच रख दिया जाए, सो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, ए प्लस थीटा एच हो जाएगा। देखिए ए प्लस थीटा एच हो गया, ठीक है, ये वाला रेड वाले सेक्शन पे दोनों साइड पे ए प्लस थीटा एच हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर एफ और एफ दिया था, बट हमने यहाँ पर एफ एक्स यूज किया है, वाई, बिकॉज यहाँ पर हमारा जी डैश है, क्योंकि एक बार ये क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो चुका है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है बच्चे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। अगर ये दो एक्सिस हैं, ठीक है, अगर ये दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमने सिर्फ ए वाली टर्म ली है और ए वाली टर्म मतलब ए के नेबरहुड लिए हैं और ए के नेबरहुड एक्स की एक्सिस पर बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, ये एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। अंडरस्टूड? किसी को कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट। सो हमारा थ्योरम तो यही था कि अगर एफ एक्स या एफ वाई में से दोनों में से एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सो एफ एक्स वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सो हम क्या लेंगे, फिर लेंगे कि एफ वाई एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो एफ वाई एक्स के लिए हमने नेबरहुड लिया है कौन सा, बी प्ली प्लस के। वैसे ही हमने अगेन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था ये वैल्यू कैसे आई थी, ये वैल्यू वैसे ही आई है यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर y और x दोनों ही टर्म्स ली हैं, दैट्स वाई यहाँ पर h और k दोनों से इंक्रीमेंट होगा, ओके, इसलिए हमने h और k दोनों ही यहाँ यूज किया है। एक बार हम यहाँ पर थीटा एच ले चुके हैं बच्चे, तो यहाँ पर वापस से थीटा नहीं ले सकते हैं, आपको एक नया नाम देना होगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पर थीटा डैश लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। सो हम यहाँ पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से देख सकते हैं, ये कहाँ से आया बच्चे, देखिए ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये एज इट इज यहाँ पर लिखा है इक्वेशन फोर्थ से, ठीक है, पर अगर आप अपनी इक्वेशन फर्स्ट देखें पीछे जाके, तो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आपने फाई एच के की वैल्यू उठाई है, देख लीजिए यहाँ पर फाई एच के की वैल्यू जो हम वहां पर यूज करेंगे। सो समझ में आया ना, ये वाली वैल्यू तो यही है, बट ये वाली वैल्यू जो है फाई एच के की वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से उठाई है, इतना समझ में आया। अब बिल्कुल आपको टेंशन में नहीं जाना है, आप ये वाली टर्म डायरेक्ट यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना बच्चे फाई एच के, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इक्वल में है, आप साइड चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज रख दी हैं, अब हमारी लिमिट क्या करेंगे, हम टेकिंग लिमिट के टेंस टू जीरो, लिमिट के को हम जीरो के तरफ टेंस कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इक्वल साइन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच और के है, एच और के को आपको इधर इस साइड राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करना है, ओके। सो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दिया है, आप ध्यान दीजिए बच्चे, जो ये सेक्शन है वही ये लिखा हुआ है, ठीक है, बस इसको अरेंज करने का तरीका चेंज हुआ है, इसको अरेंजमेंट इसका चेंज हुआ है बस, ठीक है। सो जब ये हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ओके, सो वन अपॉन एच हमने बाहर लिखा है, बस वन अपॉन के जो है हमने इस सेक्शन के अंदर डिवाइड में डाल दिया है, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही किया है, कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, कोई भी टर्म अलग से नहीं ऐड की है, सिर्फ इसको इधर ट्रांसफर किया है और उसको अच्छे से अरेंज करके लिखा है, आपको एच बाहर ही रखना है और आपको के अंदर ही रखना है,
और इसके इक्वल साइन पे क्या चल रहा है बच्चे, ये वाला, ठीक है। दोनों को आपको एक साथ लेके चलना है, ये पूरा टर्म एक ही है, ठीक है। ये पूरा टर्म जो है ना ये एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ अलग से ऐड नहीं किया है, ओके। ये इक्वल साइन ही है, सो ये जो हमने एच और के इधर ट्रांसफर कर दिया था, ये बची हुई जो वैल्यू थी ये है ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अब हम इसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, किसे बचे, ये तो ऐसे ही चल रहा है आरएचएस, ओके। सो ये एलएचएस साइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ वाई ए प्लस एच बी माइनस एफ वाई ए प्लस बी। ये सेक्शन कहाँ से आया, ये सेक्शन यहाँ से आया है, जो ये एफ वाई ए प्लस एच बी है ये यहाँ से आया है बसे, और एफ वाई ए प्लस बी जो ए बी है वो यहाँ से आया है इस सेक्शन से, ओके। सो आफ्टर दिस वी विल टेक एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आपको दोनों साइड पर लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पर डिफाइन करनी है, यहाँ के ऑलरेडी डिफाइन था और ये कंटिन्यूस चल रहा है। जब आप एच टेंस टू डिफाइन करेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों साइड पे करेंगे, ओके। नाउ दिस इज द कंप्लीट थ्योरम। अब यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एफ एक्स वाई ए बी, ये पूरे सेक्शन की वैल्यू है एफ एक्स वाई ए बी, इसका रिप्रेजेंटेशन है, ओके। एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज एफ वाई एक्स ए बी, और यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलर यंग्स थ्योरम भी था बट थोड़ा सा डिफरेंस है प्रूफ करने में, ठीक है। सो ये दोनों मैथड्स को आपको मिक्स नहीं करना है, सेपरेटली समझना है, ओके। सो आई होप आपको ये मैथड समझ में आई हो, मैंने दोनों ही मैथड्स को एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये मैथड समझ आई हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।